वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 एमपीसी के हम पढ़ रहे हैं। हम एमपीपीएससी 2020 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर हम आपने हमारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो जाके आप कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं नदी परियोजनाएं। देखो दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे देश की रीढ़ है, क्योंकि हमारा देश में 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सरकारी इस पर काम करें। तो पहले सिंचाई की जो व्यवस्था है उसका हम पहले इतिहास पढ़ते हैं। तो आज मतलब कि आज तक का क्या क्या है सिचुएशन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की सिंचाई तथा नदी परियोजनाएं, ठीक है दोस्तों। तो इतिहास क्या रहा, तो पहला ग्वालियर राज के तत्कालीन महाराजा ने सन 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की। तो ग्वालियर के राजा ने, ग्वालियर राज्य पहले अलग अलग वो था, मध्य प्रदेश सारी आज़ादी से पहले भी स्टेट बी, स्टेट सी एंड भोपाल जो था वो एक रियासत थी, बाद में सी में मर्ज हो गई। तो ये आज़ादी पहले की बात की रही, 1905 की बात की जा रही है। तो ग्वालियर के राजा तत्कालीन महाराजा ने 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की। तो दोस्तों इसका इतिहास है कि 1905 में ग्वालियर के राजा ने सिंचाई विभाग की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में वैन गंगा नहर बनाई गई, जो 45 किलोमीटर की, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की पहली नहर जो है 1923 में बालाघाट जिले में वैन गंगा नहर बनाई गई। अगर दोस्तों मैं आज प्रेजेंट में एमपी की बात करूं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये बालाघाट से निकलती कौन सी नहर, तो वैन गंगा। तो दक्षिण को प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो वैन गंगा नदी है, ये सिवनी जिले से निकलती है। और पश्चिम को प्रवाहित करने वाली नर्मदा ताप्ती है, और नॉर्थ की ओर चंबल बेतवा केन है, और ईस्ट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हमारी कौन सी है दोस्तों, सोन है, वी अमरकंटक से निकलती है। तो इस प्रकार आप जान लीजिए, तो आपको मध्य प्रदेश में साउथ की ओर बहने वाली नदी वैन गंगा है, सिवनी से निकलती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा है, ताप्ती बैतूल से निकलती है, ये भी जाके अरब सागर में गिरती है। उत्तर की ओर बहने वाली चंबल जो मेन नदी है वो इंदौर के जनपावा पहाड़ी से निकलती है, और सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले के वैन गंगा नहर पर बनाई गई, जो कि 45 किलोमीटर है, और 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना ग्वालियर के महाराजा ने की है, ठीक है दोस्तों। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये आज़ादी की पहले की बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोजपुर में बेतवा नदी पर विशाल साइक्लोपियन बांध को प्रदेश में सबसे पुराना बांध माना जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर में
बेतवा नदी के किनारे बेतवा नदी पर विशाल साइक्लोपियन बांध को प्रदेश का सबसे पुराना बांध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 1927 में मुरैना जिले में जौरा शहर के पास पगरा पगरा गांव में आसान नदी पर बना पगरा बांध को प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में प्रथम वृहद उदाहरण के रूप में माना जाता है। 1927 में मुरैना जिले के जौरा शहर के पास पगारा गांव में आसान नदी पर बना पगारा बांध प्रदेश की सिंचाई परियोजना का वृहद उदाहरण है। ठीक है, 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना ग्वालियर राजा ने किया। प्रदेश की पहली नहर 1923 बालाघाट जिले में बैन गंगा नहर 45 किलोमीटर बनाई गई। ठीक है, प्रदेश का सबसे पुराना बांध रायसेन जिले के भोजपुर में बेतवा नदी पर बना साइक्लोपियन बांध है। 1927 में मुरैना जिले के जौरा शहर के पास पगरा गांव में पगरा बांध सिंचाई के लिए प्रथम वृहद उदाहरण, मतलब काफी ज्यादा इसका एरिया कवर करता था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बैनगंगा नदी पर 1911 में धुती धुती बांध का निर्माण ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जार्मोस हैरियट की देखरेख में हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बैनगंगा नदी पर देखो दोस्तों, 1911 में धुती बांध का निर्माण ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जार्मोस हैरियट की देखरेख में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के रायसेन जिले में 1933 में बनी फलकमती सिंचाई टैंक प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक माना जाता है, जबकि दूसरा टैंक 1936 में बालाघाट के मुरूम नाला में बना बनाया गया। ठीक दोस्तों, प्रदेश के रायसेन जिले में 1933 में बना फलकमती सिंचाई टैंक प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक माना जाता है, जबकि दूसरा सिंचाई टैंक 1936 में बालाघाट के मुरूम नाला में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इतिहास था। अब हम आज के एमपी के सिचुएशन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई, 1956 में की गई। तो मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 1953-54 में निर्मित चंबल घाटी परियोजना प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई अनुसंधान संचालन का गठन 1964 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में जल मौसम विज्ञान संचालनालय की स्थापना 1981 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलों से होती है। प्रदेश में मंदसौर जिला कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला है। नेक्स्ट पॉइंट, चोरल परियोजना प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के समस्त शासकीय स्रोतों से 2025 तक सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 सितंबर 2018 को खरगोन जिले के बीकान गांव में 545 करोड़ की लागत से बिजलवाड़ा उद्घाटन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह निर्माण क्षेत्र की पहली योजना है जिसमें किसी भी किसान को भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों, आजादी के बाद जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। 1953-54 में
चंबल घाटी परियोजना पहली नदी घाटी परियोजना है। सिंचाई अनुसंधान संचालन है का गठन 1964 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1981 में मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान संचालन की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है और मध्य प्रदेश जिले में मंदसौर जिले में सर्वाधिक कुएं से सिंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चोरल परियोजना प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। प्रदेश के समस्त शासकीय स्रोत से 2025 तक सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक किया जाना है। 5 सितंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन जिले की भिकान गांव में 745 करोड़ की लागत से बिजलवाड़ा उद्घाटन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा, निमाड़ क्षेत्र में यह पहली योजना है जिसमें किसी भी किसान की भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं और पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विजलवाड़ा उद्घाटन सिंचाई योजना 129 गांवों की 50,164 हेक्टेयर कृषि भूमि को उद्वहन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में संपूर्ण जल वितरण पाइप प्रणाली से किया जाएगा। किसान को प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर तक पाइप द्वारा 50-20 मीटर दाब युक्त पाइप मिलेगा। इससे किसान आधुनिक कृषि की नवीन तकनीकों फव्वारा और ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर सकेंगे। जो निवाड़ में योजना बनाई गई है, विजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना 129 गांवों में 50,164 हेक्टेयर कृषि भूमि उद्वहन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में संपूर्ण जल का वितरण पाइप प्रणाली से किया जाएगा। किसान को प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर तक पाइप द्वारा 20 मीटर दाब युक्त पानी मिलेगा। उससे किसान आधुनिक कृषि की नवीन तकनीकी फव्वारा और ड्रिप से सिंचाई कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों से संचित समन्वित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विकास की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश की डिंडोरी जिला न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 33% से सिंचित है। कुओं द्वारा प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सिंचित सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में सिंचित उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई। प्रदेश में बालाघाट सिवनी जिले में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में 1956 में जल संसाधन विकास की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश की डिंडोरी जिला में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। वर्तमान में लगभग 37% क्षेत्र सिंचित है। कुओं द्वारा प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा सिंचित है। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई। प्रदेश के बालाघाट सिवनी जिलों में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, होशंगाबाद के क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, दतिया,
टीकमगढ़ होशंगाबाद क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, उर्मिला परियोजना यूपी व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बरना परियोजना रायसेन जिले में बाड़ी नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरना नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सुप्ता परियोजना खंडवा जिले में खंडवा से 40 किलोमीटर दूर सुप्ता नदी पर स्थित है। इससे 18,583 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की गोदावरी कछार में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन अपर बैनगंगा परियोजना को संजय सरोवर योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना प्रदेश की 4.0 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे ये बोला जाए प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचाई वाला जिला कौन सा है, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, होशंगाबाद है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए 1980। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए 1980। नेक्स्ट पॉइंट, उर्मिला परियोजना प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, उर्मिला परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। बरना परियोजना रायसेन जिले में बाड़ी नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरना नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, सुप्ता परियोजना खंडवा जिले में खंडवा से 40 किलोमीटर दूर सुप्ता नदी पर स्थित है। इससे 18,583 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार का जो एमपी और महाराष्ट्र पे लगा हुआ ये सतपुड़ा का पठार का क्षेत्र है दोस्तों, ये सिवनी से निकलती है बैनगंगा नदी, ये बालाघाट होती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन अपर बैनगंगा परियोजना राज्य को संजय सरोवर योजना भी कहा जाता है। बैनगंगा परियोजना को दोस्तों क्या बोला जाता है, संजय सरोवर योजना भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना प्रदेश की 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट, नेक्स्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी, जिसे पर्यावरण क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, थावर परियोजना मंडला जिले के झुलपुर गांव के निकट थावर नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1972 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, माही परियोजना धार में माही नदी पर निर्मित है, जिस पर दो बांध तथा दो नहरें निर्मित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इंदौर की मऊ तहसील में निर्मित की जा रही चोल परियोजना को प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना परियोजना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 5 अक्टूबर 2006 को लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना धार जिले से 55 किलोमीटर दूर जीरावाद के पास मान नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऊपरी झील के दक्षिण पूर्वी कोने पर 11 गेटों वाला एक बांध है, जिसे भदभदा बांध कहते हैं। इस बांध का निर्माण 1965 में किया गया। इस बांध का उपयोग कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने के लिए किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे ये बोला जाए कि इन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी, जिसे पर्यावरण क्रांति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, थावर परियोजना मंडला जिले में, दोस्तों यहाँ कान्हा किसली भी नेशनल पार्क भी है और इसमें टाइगर रिजर्व भी है। कान्हा किसली से बारह सिंघा को पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो थावर परियोजना मंडला जिले के झीलपुर गांव के निकट थावर नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1977 में प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, माही परियोजना धार में माही नदी पर निर्मित है, जिस पर दो बांध दो नहरें निर्मित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इंदौर की महू तहसील में निर्मित की जा रही चोल परियोजना प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, पांच नेक्स्ट पॉइंट, 5 अक्टूबर 2006 को लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना धार जिले के 55 किलोमीटर दूर जीराबाद के पास मान नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऊपरी झील के दक्षिण पूर्वी कोने पर 11 गेटों वाला एक बांध है, जिसे भदभदा बांध कहते हैं। इस बांध का निर्माण 1965 में किया गया है। इस बांध का उपयोग कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने के लिए किया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए बालाघाट, ये दोस्तों ये तो रायसेन है, बालाघाट ये है, धार ये है, इंदौर ये है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट परीक्षा पढ़ते हैं आप दोस्तों। पहला है रिहंद परियोजना, ये भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह बांध एक गुरुत्वीय बांध है, जो यूपी के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध लगभग यूपी एमपी की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण 1959 टू 1962 के बीच हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत 50x6 इजकल टू 300 मेगावाट की जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। यह परियोजना एमपी की उत्तरी भाग में शक्ति की आपूर्ति करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये समझें तो रिहंद परियोजना यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह एक गुरुत्वीय बांध है। यह यूपी के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह रिहंद बांध लगभग यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है, मतलब बॉर्डर पर स्थित है। यह 1960 1962 के बीच बनाया गया है। इस परियोजना में 50 के 6 वैसे पावर प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में संयुक्त मतलब बिजली की आपूर्ति करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं
नेक्स्ट परियोजना, नेक्स्ट परियोजना रातापानी बांध रायसेन, ठीक है। रातापानी में अभयारण्य है जिसमें पहला अभयारण्य ऐसा है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है, ठीक है दोस्तों। तो रातापानी वन्य जीव को सहारा देने वाला प्रमुख जल स्रोत है। ग्रीष्म काल में जल की कमी के चलते ये वन्य जीव जीवन सिमट जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों की सीमाओं तक फैले हुए रातापानी अभयारण्य है, ठीक है दोस्तों। जिसमें मैंने आपको बताया कि रातापानी ऐसा अभयारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया लागू है, एक अभयारण्य और 7 नेशनल पार्कों में टाइगर प्रोजेक्ट एमपी में शुरू मतलब चालू है, ठीक है। नेक्स्ट संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर बांध तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 43 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह प्रसिद्ध बांध छपरा में बैन गंगा नदी पर स्थित है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े मिट्टी का बांधों में से एक है। यह संजय सरोवर बांध और सारथी दोनों बैन गंगा नदी पर स्थित है। देखो दोस्तों, ये है सिवनी, यहीं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी करेंट में तो संजय सरोवर बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के से 43 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रसिद्ध बांध छपरा में बैनगंगा नदी पर स्थित है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। संजय सरोवर बांध और सारथी दोनों बैनगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में की महू तहसील में चोरल नदी परियोजना स्थापित की गई है, जो जिले की पहली मध्यम सिंचाई परियोजना तथा एमपी की पहली अंतरगाठी परियोजना है। यह परियोजना 1978 में स्वीकृति हुई और 1993 में पूरी हुई। इस परियोजना से महू तहसील के 26 ग्रामों का लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश जिले के महू तहसील में चोरल नदी परियोजना स्थापित की गई है, जो जिले की पहली मध्यम सिंचाई परियोजना तथा तो एमपी की पहली अंतरघाटी परियोजना। यह परियोजना 1978 में स्वीकृति हुई है तथा 1993 में पूरी तरह से योजना लागू हुई। इस परियोजना में महू तहसील के 26 गांव लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की गई है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मध्य प्रदेश की भोज वेटलैंड को 2002 में रामसर साइट बनाया गया। इस वर्ष भारत में विश्व वेटलैंड दिवस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सहयोग से भोज वेटलैंड भोपाल में मनाया गया। भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं। देखो दोस्तों, ये रामसर साइट अपने ये 90 और रामसर समझौते से हुई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की भोज वेटलैंड को 2002 में रामसर साइट बनाया गया। इस वर्ष भारत में विश्व वेटलैंड दिवस मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोज वेटलैंड में भोपाल में मनाया गया। देश में मतलब इंडिया में कुल 42 रामसर साइटें हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून 2018 को राजगढ़ जिले मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। मतलब दोस्तों, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जून 2018 को शुरुआत की गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, तवा परियोजना तवा नदी पे है। तवा नदी होशंगाबाद इटारसी के
ग्राम रानीपुर के पास निर्मित है। तवा परियोजना, तवा नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और ये गुजरात की खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है, डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश के पूर्व से निकलती है और पश्चिम में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तवा नदी पर तवा परियोजना लागू है। ये इटारसी के पास रानीपुरा के पास निर्मित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट उर्मिला परियोजना। ये छतरपुर जिले के ग्राम भिटोरा में उर्मिला नदी पर स्थित है। ये यूपी और एमपी के संयुक्त परियोजना है। देखो दोस्तों, उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में भिटोरा गांव में उर्मिला नदी पर स्थित है। उर्मिला नदी एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में बैन गंगा नदी पर निर्माणाधीन अपर बैन गंगा परियोजना को संजय सरोवर योजना भी कहते हैं। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार कहने का मतलब दोस्तों, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया है क्योंकि ये बैन गंगा सिर्फ निकलती है। तो मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में निर्माणाधीन अपर बैनगंगा परियोजना को संजय सरोवर योजना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केन बेतवा लिंक परियोजना। मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल से होकर गुजरेगी, जिसे पर्यावरण क्रांति के रूप में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है तो मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में है। तो यह पर्यावरण क्रांति के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रमुख साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 2017-18 के अनुसार कुएं और नल की सिंचाई कितनी होती है? तो 67.34, नहर तालाबों द्वारा 20.24, अन्य साधनों द्वारा तो 12.24। तो दोस्तों, कुओं और नल कूपों से 60.34 प्लस नहर और तालाबों से 20.24 प्लस अन्य साधनों से 12.42, टोटल 100%। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहर और नलकूपों से, फिर दूसरा नहर व तालाबों से, अन्य साधनों से 12%। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो हमें एमपीपीएससी के हमारे टीम दोस्तों जो सोर्स फॉलो हो रहे हैं काफ़ी ऑथेंटिक और सही हैं। एमपीपीएससी 2020 के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल मदद मिलेगी। हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट लेक्चर के बाद मिल लेंगे। बहुत बहुत